भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जिन्हें ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, लेकिन अब इन्हें डिजास्टर स्टार भी कहा जाने लगा है, क्योंकि एक साल में 5 बड़ी डिजास्टर फिल्म दिया है खेसारी लाल यादव ने। जी हाँ दोस्तों, इस साल उनकी रिलीज हुई अब तक 6 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से डिजास्टर साबित हो गई है, और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म राजा राम को सिर्फ 10 से 12 सिनेमा घरों में ही रिलीज किया गया। मतलब सोचिए, भोजपुरी के इतने बड़े सुपरस्टार का ये हाल है कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर हो रही है, तो बाकी स्टारों का क्या हाल हो। इस साल के शुरुआती में ही खेसारी लाल यादव की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, और वो दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एकदम बुरी तरह से डिजास्टर साबित हुई, जिसके बाद खेसारी लाल यादव एक बार कमबैक किए और लेके आए अपनी बहुत बड़ी फिल्म रंग दे बसंती। और रंग दे बसंती भी सिर्फ एक हफ्ता ही सिनेमाघरों में चली, उसके अलावा उस फिल्म को एक हफ्ता पूरा भी नहीं हुआ और वो फिल्म सिनेमाघरों से निकाल दी गई। मतलब ऑडियंस जा ही नहीं रही ये फिल्म देखने। और इसके बाद दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे खेसारी लाल यादव दो दो फिल्में रिलीज करते हैं, और वो दोनों फिल्में डिजास्टर साबित हो जाती है। और अब छठ पूजा के अवसर पर रिलीज हुई फिल्म राजा राम भी बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हो गई। मतलब भोजपुरी के सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव अब बन चुके हैं डिजास्टर स्टार। आप सबको क्या लगता है, इस तरह भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म बॉक्स ऑफिस पे जिस तरह से डिजास्टर हो रही, इसका क्या परिणाम होगा? क्या आप सब अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।